क्लास सिक्स चैप्टर टू सिविक्स लेक्चर टू। आज हम आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, आपका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। सबसे पहला आंसर है देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी कैन बी सीन बेस्ड ऑन सेक्स जेंडर इन मैनी वेज इन मैनी कंट्रीज सच एज इंडिया। थर्ड नंबर इन वैदिक पीरियड पीपल वेयर डिवाइडेड इन टू फोर मेजर वर्नाज। और फिल इन द ब्लैंक्स है वी कैन ऑल्सो से दैट प्रेजुडिस इज प्रिजजिंग। टू नंबर द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी मेक्स एनी वन नैरो माइंडेड। थर्ड नंबर ब्राह्मण्स वेयर सपोज टू बी नेक्स्ट टू गॉड वाइल शूद्रास वेयर हैड ए लो स्टेटस इन सोसाइटी। अब्राहम लिंकन ट्राइड टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ट्रू फॉल्स हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजुडिस इज नेगेटिव फीलिंग अबाउट ए पर्सन। ट्रू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अवॉइडेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फॉल्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव फोर फंडामेंटल राइट्स टू अस। फॉल्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव इक्वल राइट्स। ट्रू। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर है व्हाट इज प्रेजुडिस। इसका आंसर है प्रेजुडिस इज एन एंटीपैथी बेस्ड ऑन फैमिली एंड इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। इसका आंसर है द डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली देन अदर पीपल। अब ये डी का टू का क्वेश्चन आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मीन्स हो जाएगा यहाँ पे एनी डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मीन्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स कास्ट रेस बर्थ प्लेस और रिलीजन। ये आपका डी का थ्री का आंसर हो गया। अब डी का फोर का आंसर फोर क्वेश्चन है आपका व्हाट वेयर द फोर मेन वर्नाज ऑफ वैदिक पीरियड। द फोर मेन वर्नाज ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रास। फाइव नंबर क्वेश्चन है हु ट्राई टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। इसका हो जाएगा अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर। आपका यहाँ पे आंसर है अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर ट्राई टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन। अब लॉन्ग आंसर है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका आंसर है यहाँ से द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस से ले के इनइक्वालिटी तक। ये प्रेजुडिस का हो गया और डिस्क्रिमिनेशन का फिर लिख देंगे नीचे पैराग्राफ में बिना पैराग्राफ चेंज किए हम लोग लिख देंगे डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ से लिख देंगे डिस्क्रिमिनेशन का डी बड़ा करके। डिस्क्रिमिनेशन इज एन अनफेवरेबल एक्शन और बिहेवियर व्हेन वी ट्रीट से लेके पूरा डिस्क्रिमिनेशन तक। ये आपका सेकंड फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ई का वन का दोनों मिला के। और अब हम ई का टू का आंसर लिखेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। तो इसका आंसर यहाँ पे है पूरा लिख देंगे प्रेजुडिस से लेके पूरा लास्ट तक ये पैराग्राफ डिस्क्रिमिनेशन तक लिख देंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।